खूब चमक आई हुई चेहरे पे उमरा, कोई उपटन लगा रही हो क्या? वो ही जो बुआ हुसैनी बनाती है। अब हमसे झूठ ना बोलो, उस उपटन से ऐसी चमक तो नहीं आती, कोई और चक्कर है। करीम इश्क तो निकल बैठी, कोई चक्कर वक्कर नहीं, तुम अपनी कहो। हाय हाय क्या सुना है, तुम तो जानती हो कि हमसे ये इश्क का पूछ उठाया नहीं जाता। मुआ नवाब छप्पन का इश्क तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब देखो ये सारे इश्क, जब देखो ये सारे इश्क, तो जी मतलाने लगा हमारा। ये इश्क 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 का मतलब भी जानती हो बिस्मिल्लाह? ला हम ये अल्फाज के चक्कर में नहीं पड़ा करते, बस हम तो तुमसे एक मशवरा मांग रहे थे। हमारी अम्मा तो सठिया गई हैं, नवाब छप्पन से गुलू खलासी चाहती हैं। एक बहुत बड़ी असामी आई है उनके हाथ, अब तुम हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अम्मा तुम्हारी अकल के बहुत तराने गाती है ना, अब थोड़ी सी अकल हम पे भी खर्च कर दो। ये क्या कह रही हो बिस्मिल्लाह? लाखों रुपए लुटा दिए उन्होंने तुम पर और करोड़ों रुपए की मोहब्बत की। अगर मोहब्बत की कोई कीमत है तो तुमने उनसे अपना मुंह फेर लिया, वो तो जान से जाएंगे। खुदा के लिए ऐसा ना करना, बहुत बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें इश्क की तरह नसीहतों से भी नफरत है। मगर क्यों? बस कह जो दिया, नवाब छप्पन से जी भर गया हमारा, वो कुछ और ढूंढ रहे और हम अपनी मनमानी करें। एक तरकीब है हमारे पास, अगर तुम हमारा साथ दो तो। अल्लाह खैर करे, क्या तरकीब है आपके पास? करना कुछ नहीं है, तुम हमारे नवाब पर डोरी डालो। माफ कीजिएगा बिस्मिल्लाह जान, ये हमसे नहीं होगा। अल्लाह हमने कौन सी खुद बात कह दी, हम इजाजत दे रहे हैं तुम्हें, अपना नवाब हम खुद ही तो दे रहे हैं। भले इजाजत हो लेकिन हमारा जमीर भी कोई चीज है। ओए ये मुआ जमीर क्या होता है? नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, तो हमें भी तो समझाऊंगा। होता है कुछ, अभी तक बगैर समझे अच्छा काम चला रहा है, अब समझ के क्या करोगे। अच्छा ये बताओ कि शाम का क्या इरादा है? इरादा क्या होगा, कमरे पर बैठेंगे, दो चार लोग आएंगे, गाना सुनेंगे, पान खाएंगे और चले जाएंगे। कोई माकूल शख्स हुआ तो गुफ्तगू भी हो जाएगी। तो फिर शाम की बैठक मौकूफ करो और हमारे साथ हमारे नवाब छप्पन की हवेली चलो, उनकी सालगिरह है, उनसे राम मुबारकबाद ही कहा थे ना। बिस्मिल्लाह तुम भी क्या हो, अभी क्या कह रही थी और अब क्या कह रही है। हम तो ऐसे ही हैं उमराव, मगर जैसे भी हैं है खानन चान की बेटी। कब जाओगी? मगरिब के बाद। ठीक है हम चलेंगे, मगर खानम साहब से इजाजत ले लें। अरे बिस्मिल्लाह की जान, हमने खानम साहब से पूछ लिया। सो बात पक्की? पक्की। जल्दी से बता दो कि ये चमक कैसी है। बिस्मिल्लाह, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम कह देती हो तो मान लेते हैं। आज की रात मुबारक हो।
खैरियत तो है, इतने बौखलाए हुए लग रहे हैं आप। दरअसल हुजूर के चाचा जान तशरीफ ला रहे हैं, हमारा मतलब है कि यहीं पे तशरीफ ला रहे हैं वो। हम आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम अपने भतीजे को एक जरूरी खबर देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आ गए, वरना ऐश इशरत की महफिल में खलल अंदाज ना होते। आप सुन रहे हैं छबन मियां जी? हाँ। इरशाद चाचा जान, आप बच्चे हैं कम से कम हमारे लिए। आपको मालूम नहीं कि आपके वालिद हमारी और हमारी वालदा की जिंदगी में ही इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से आपको जायदाद से खारिज किया। ये रुपया पैसा, ये जायदाद, इस पर आपका कोई हक नहीं, जिसे आप पानी की तरह बहा रहे हैं। बेशक हमारी वालदा ने आपको बेटा कहा और बेटे की तरह ख्याल भी किया, लेकिन जब हमने हिसाबात की जांच की तो हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप उससे कहीं ज्यादा खर्च कर चुके हैं। जो अखराजात आपने किए वो हमने माफ किए, इसलिए कि आप हमारा खून हैं। मगर आपकी हरकत ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि आपको मौरूसी जायदाद से महरूम कर दिया जाए, ताकि बुजुर्गों की कमाई हराम कामों में सर्फ ना हो। मुनसिफुद्दौला के आदमी हम अपने साथ अदालत से लाए हैं, आप चाहें तो बाहर जाकर कागजात का मुतायला कर सकते हैं। नहीं, हम भला कागजात को देखकर क्या करेंगे? तो फिर देर काहे की, तशरीफ ले जाइए। ठीक है ठीक है, लेकिन हम माजान को साथ लेके चले जाएं। वो आपसे दस बर्दार हो गई हैं और हमारे साथ हज पर तशरीफ ले जा रही हैं। हम जाएंगे कहाँ? ये हम क्या बतलाएं? इस सवाल का जवाब आप अपने नमक हराम मुसाहिबीन और अपनी माशूका से दरियाफ्त कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारा हमारा जाती सामान, यानी कि हमारे कपड़े तो हमें दे दीजिए आप। हमें नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस घर में आपका कोई जाती सामान नहीं है, हमें और बहुत से काम करने हैं, लिहाजा जाने में जल्दी कीजिए।
और मजीद गुफ्तगु बेसूद है।